इंदौर जिले में कल 129 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव की संख्या 1814 थी। कल 1957 सैंपल टेस्ट लिए गए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 1,18,457 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 6,035 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 292 लोगों की जानें जा चुकी है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार के स्वस्थ होने पर कल 63 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 4,238 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल छुट्टी मिल गई है। जिले में अब तक 1,505 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का भी उपचार चल रहा है। अभी विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों पर 4,869 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। इंदौर जिले का रिकवरी रेट 70.22% हो गया है, जबकि जिले में मृत्यु दर 4.83% है। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। इसकी वजह ये रही कि हमारे पास पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ गई, जो कि पहले हमारा परसेंटेज 5% था। इस वजह से ये रिकवरी रेट कम हो करके 70.22 आया। आंकड़े बता, कल की रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट 129 आई है और इसमें लगाए गए टेस्ट थे 1957 थे और जिसमें से नेगेटिव आए हैं 1814 और टोटल जो डेथ्स थी एक थी और अप्रैल की 3 डेथ थी। मैडम, सह कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव निकले तो क्या है जी? वहाँ अन्य जो लोग कांटेक्ट में आए हैं उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। अब तक 15 से ऊपर केसेस की सैंपलिंग ली जा सकती है। मैडम, वहाँ क्या कंटेनमेंट जोन एरिया बनाया गया है क्या कुछ? नहीं, ये 15% से ऊपर में 15 से ऊपर आएंगे तभी वहाँ पर कंटेनमेंट किया जाएगा, इसलिए अभी वहाँ कंटेनमेंट नहीं किया। अभी उनके वहाँ पर कुछ सैंपल भी लिए गए हैं तो अभी रिपोर्ट वहाँ पर आएगी। डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया, प्रभारी जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।